कलम ना उठाए डंडा उठा ले। मतलब रोजगार लोगों को, हिंदू को रोजगार, बेरोजगार नहीं है हिंदू। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो केवल सबकी ना बात करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात हो, बेरोजगारी हर जगह है। ये तो खुद ही साबित कर रहे हैं कि इनकी जो सरकार है ये नागपुर से चल रही है। हम सब धर्म के प्रति हम सम्मान करते हैं, हम टोपी पहने, तिलक लगाएं या पगड़ी पहने, इससे क्या लेना देना है? कैसी कैसी बातें हैं, और हमारी तो शादी दूसरे धर्म में है। मतलब क्या करें, कलम ना उठाए तो डंडा उठा ले। क्या हिंदू बेरोजगार नहीं है? हम टीका लगाए या टोपी पहने या पगड़ी पहने, उससे सामने वाले को क्या दिक्कत? ये बोल हमारे नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी शादी के जिक्र की टोपी और तिलक की जिक्र करना पड़ गया। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट से। एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे, और खासकर उनके बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कहना चाह रहे हो कि धर्म और जाति के चश्मे से कभी भी रोजगार को नहीं देखना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ बातें वो साझा कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने अपनी शादी का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम तिलक लगाए, टोपी पहने या फिर पगड़ी पहने, इससे सामने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, हम तो खुद दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर चुके हैं, तो ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? पूछना है तो जाके मंत्री शहनवाज हुसैन से पूछे। ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, आप खुद सुनते जाइए। मतलब क्या करें, कलम ना उठाए डंडा उठा ले। मतलब रोजगार लोगों को, हिंदू को रोजगार, बेरोजगार नहीं है हिंदू। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो केवल सबकी ना बात करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात हो, बेरोजगारी हर जगह है। अलग जी, शिक्षा की बात करते हैं तो सभी को ना शिक्षा की बात करते हैं। मतलब ये क्या कल्पना करना चाहते हैं? ये तो खुद ही साबित कर रहे हैं कि इनकी जो सरकार है ये नागपुर से चल रही है। अगर ऐसी बात करना छोड़ दें, क्यों? हम सब धर्म के प्रति हम सम्मान करते हैं, हम टोपी पहने, तिलक लगाएं या पगड़ी पहने, इससे क्या लेना देना है? कैसी कैसी बातें हैं, और हमारी तो शादी दूसरे धर्म में। तो हम लोग तो समाजवादी लोग, ये लोग क्या बताएंगे? पूछ लीजिए शहनवाज हुसैन साहब इस पे क्या कहते हैं। तो आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना, वो धर्म निरपेक्षता, धर्म के मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हर चीज को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। टोपी पहनना, तिलक लगाना या फिर पगड़ी पहनना, ये उनका मामला है। इसमें किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। खासकर वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे थे कि मैंने तो खुद दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है, और इस दौरान उन्होंने अपनी शादी के साथ साथ जो बिहार के उद्योग मंत्री है शहनवाज हुसैन, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। कि जानना है तो मंत्री शहनवाज हुसैन से जाकर पूछे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बातों ही बातों में शहनवाज हुसैन की भी शादी की बात कर रहे थे, कि वो भी दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी यही काम किया है। हालांकि बिहार में जाति के बिना राजनीति अधूरी मानी जाती है, और जाति और धर्म पे विवाद ना हो तो ऐसा हो कैसे सकता है? तो इसी सिलसिले में आज नेता प्रतिपक्ष साफ साफ टोपी और तिलक, जो हमेशा विवाद वाला मुद्दा रहता है, इस पर अपना पक्ष रख रहे थे। आप उनके पक्ष से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।